उस पैन को आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पालक आलू और मेथी की भुजिया। बहुत इजी है। देखिए तो मैं पहले हमने एक देखी चढ़ाया, उसमें थोड़ी सी प्याज डाली और उसको फ्राई किया। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो बाद में इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया, पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। इसमें इसको थोड़ा सा भूनिए। देखिए कैसी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अब हम आपको मसाले डालेंगे। इसमें हमेशा जो है नमक कम डालते हैं, क्योंकि यह खुद इतनी ज़्यादा नमक होता है सॉल्ट में, सॉल्ट होता है नमक पालक में। ठीक है, अब इसके अंदर आप पालक डाला आपने। चूल्हे को आप थोड़ा सा सिलो रखेंगे। अब आपने हल्दी है, ये हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि पीला हो जाता है। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ये आपका नमक भी चला गया। अब आप इसमें डालेंगे कुटी मिर्चें, थोड़ी सी डालिए टेस्ट के मुताबिक। अगर आप तेज़ खाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा तेज़ डालिए, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, मेरे हस्बैंड तेज़ नहीं खाते, तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब ये कुटी मिर्च हो गई आधी टेबल स्पून, आधी टीस्पून। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेते हैं ताकि ये सारा साफ हो जाए, साया ना हो आपका। ये आ गया आपका। अब तो मसाले डाल, हमने पालक डाल लिए और सारे मसाले डाल लिए। हम अब उन्हें भूनने के लिए रखे हुए, और अब इसको आलू को हमने इसके छिलके उतार लिए। और इसको ज़्यादा आप बड़ा नहीं कीजिए, बस दरमियाने आलू काटे आपने, क्योंकि जल्दी गल जाते हैं आलू। अगर मोटे होंगे तो देर से गलेंगे। अब आपने इसके पीसेस किए, अब हमने इसके पीसेस कर लिए आलू के, और अब हम इसके अंदर भूनेंगे। तो आपने भूना, ये आपके हमने देखिए सबसे पहले अपना फ्राई पैन चढ़ाया चूल्हे पर, इसका चूल्हा जलाया, फिर उसमें प्याज आधी प्याज डाली, एक छोटी सी डली लीजिए उसकी आधी प्याज डाली, घी डाला, और इसको फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन डाल दिया, लहसुन डाला अदरक में, लहसुन को ग्राइंड करके वो डाल दिया, फिर उसके अंदर पालक डाल दी, बॉयल की हुई पालक थी, बॉयल किया पहले हमने, फिर उसमें पालक डाल दी, फिर उसमें मसाले डाले जो आपको मसाले बताए गए हैं। अब आप इसको ज़रा भून लें, भूनने के बाद हम उसमें आलू डाल लें। आलू आ गया, आलू डाला और इसको भून रहे हैं। हाँ, इतना भूनिए कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। जब तक ऊपर आ जाता है जब तक भूनिए। और इसमें एक बड़ी हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब आपने अच्छी तरह भूना इसको, हम भून लें इसको। आपने भूना, अगर आपका दिल करे तो मिर्चें थोड़े तेज कर लीजिएगा। फ्लेम को स्लो कर दिया और
उसको थोड़ा सा भूनना और इसको इसी तरह रहने देंगे। बाद में इसमें थोड़ा सा तेज कीजिए फ्लेम को और इसमें पानी डाल दीजिए। ओके, आपका पानी डाल के हमने इसको थोड़ा सा आलू गलने के लिए पानी डाल देंगे। अब हम टमाटर को, एक टमाटर लेंगे। आप जैसे अगर ज़्यादा आप टमाटर यूज़ करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें तो कीजिए, और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। देखिए जिस तरह मैंने, जैसे हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं टमाटर के, इस तरह आपको भी छोटे छोटे पीस बनाने हैं। और इसको एक बर्तन में ज़्यादा से रख लें, आलू गल जाएंगे और पानी इसका सूख जाएगा। पानी को आप सुखाएं और इसको ढक्कन लगा लें कि आलू गल गए हैं। और अब हमने इसमें थोड़े से आलू गले हुए होने चाहिए और थोड़े से कच्चे होने चाहिए। आप समझ चुके मेरी बात। अब आप इसके अंदर एक टमाटर जो हमने कटिंग की थी टमाटर की, अब उसमें डाल दिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे इसकी। अभी हम ढक्कन लगा देते हैं, सही से भून लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी पानी बाकी है। हम इसके अंदर आधा एक टीस्पून कसूरी मेथी डाल दें इसको इसमें, और धो कर डालें। साफ किया पहले आपने, धो कर इसमें डाल दें। अब इसको अगर चमचा चलाएं इसमें, अब इसका इसमें सिर्फ आपका ये काम है कि आप इसको भूनें। अच्छी तरह भूनेंगे तो फिर इसका जायका अच्छा होगा। अभी हम इसको भूनेंगे। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है सारा। और इसको हमने ज़रा डेकोरेशन भी इसकी कर दी, सजा भी दिया है इसे। और आप लोग मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को, और ज़रूर बनाइएगा आप इसको, ज़रूर बनाकर मुझे बताइएगा कि ये किस तरह बना है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।